जब देश भर में सबसे सस्ती और अच्छी यात्री की बात आती है तो इंडियन रेलवे से अच्छा कोई और विकल्प नहीं होता है। रोजाना लाखों लोग रेलवे से यात्रा करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब लाखों लोग इससे यात्रा करते हैं तो फिर इसमें एक सबसे जरूरी चीज सुरक्षा भी है। रेलवे में सुरक्षा का जिम्मा जिसके पास है वह दो विंग है, जीआरपी और आरपीएफ। जीआरपी और आरपीएफ ही वो है जिनके ऊपर रेलवे ने यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों का जिम्मा है। ऐसे में कई लोगों का सवाल होता है कि जब दोनों सेना रेलवे के लिए ही काम करती है तो फिर दोनों के काम में क्या फर्क है और दोनों सेनाएं एक दूसरे से कितनी अलग है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से रेलवे की आरपीएफ और जीआरपी एक दूसरे से अलग कैसे काम करती है और उनके कार्य क्षेत्र में क्या अंतर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ सकेंगे कि दोनों के बीच का फर्क। दरअसल आरपीएफ का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। आरपीएफ भारतीय रेलवे का एक सुरक्षा बल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना है। यह रेल मंत्रालय के अधीन आती है और सुरक्षा बल को अरेस्ट को लेकर खास अधिकार दिए गए हैं। वहीं अगर जीआरपी की बात करें तो इसका पूरा नाम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, जो रेलवे में क्राइम से जुड़ी जांच करती है और रेलवे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखती है। यह दो तरह की पुलिस होती है। आपको बता दें कि जीआरपी एक ऐसी पुलिस है जो रेलवे से जुड़े मामलों पर काम तो करती है लेकिन राज्य सरकार के अधीन आती है। एक तरीके से रेलवे के मामले सामान्य थानों में ना जाए तो रेलवे के कुछ थाने बना दिए गए हैं जिन्हें जीआरपी थाने कहा जाता है। इसके लिए रेलवे भी जीआरपी को भी भुगतान करता है, यानी जीआरपी पर आने वाला खर्च रेलवे और राज्य सरकार में बट जाता है। यह पुलिस राज्य सरकार के अधीन आती है तो वो उस हिसाब से ही काम करती है। इसीलिए रेलवे जीआरपी हर राज्य में अलग अलग तरीके से काम करती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यह काम क्या करती है। वैसे जीआरपी में रेलवे में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जीआरपी उन सभी क्राइम को देखती है जो रेलवे में भारतीय दंड संहिता में आते हैं, जैसे चोरी, जहर खुरानी आदि। जीआरपी के पास स्टेशन या ट्रैक से आसपास का हिस्सा भी आता है। जीआरपी के अधिकारों की बात करें तो जीआरपी गिरफ्तार करती है और कुछ ट्रेनों में जीआरपी स्कॉर्ट करती है। अब बात करते हैं आरपीएफ की। आखिर क्या होता है आरपीएफ? यह केंद्र सरकार के अधीन आती है। दरअसल आरपीएफ की बात करें तो इसका अहम कार्य रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना है। ये रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करती है। वहीं साल 2013 में इसके कामों में बदलाव किए गए थे जिसके बाद आरपीएफ भी एफआईआर तक कर सकती है। इसके अलावा चैन पुलिंग जैसे मामले भी आरपीएफ की तहत ही आते हैं। साथ ही आरपीएफ का काम रेलवे के संचालन में कोई भी अवरोध को रोकना, अवरोध उत्पन्न करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना होता है। इसके अलावा ट्रेन यात्रा के दौरान आरपीएफ कई चीजों का ध्यान रखती है। आरपीएफ के कामों में अपराध क्षेत्र की पहचान करना, सुरक्षा के कदम उठाना, असामाजिक तत्वों को ट्रेन और रेलवे परिसर से बाहर करना आदि में शामिल है।